हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अनस गाइस। तो ये हमारी सीएसएस फ्लैग बुक ट्यूटोरियल से रिलेटेड आज 5 वीडियो होने वाली है। इससे पिछली वीडियोस में हमने सीखा था सिंपली फ्लैग बुक अलाइन कंटेंट एंड अलाइन सेल्फ, इन दो प्रॉपर्टीज को पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। ये हमारी सीएसएस फ्लैग बुक की प्लेलिस्ट है, आप इसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, एक है हमारी सीएसएस ऑर्डर और दूसरी होगी हमारी फ्लैग ग्रो। इन दो प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके समझेंगे। तो सिंपली वीएस कोड ओपन कर लेंगे, इसको भी सिंपली यहाँ से छोटा कर लेंगे बराबर आगे इसके। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली इसको राइट क्लिक करके हमने अपना जो कंटेंट है डिफ वगैरह जो भी हमने कोड लिखा उसको ओपन कर रखा है, जो कि हमारी पिछली वीडियोस में भी यही कंटेंट था हमारा सिंपली। तो देख रहे हैं आप डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ जिससे ये रो वाइज हुए हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर डिफ पे अंदर आएंगे और इधर हम लगाएंगे सिंपली फ्लैक्स ग्रो। बल्कि फ्लैक्स ग्रो जो प्रॉपर्टी होती है गाइज वो सिंपली जो है विड्थ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम, तो वो हम सिंपली आइटम के अंदर लगाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं हमने दो क्लास लगाई हुई है अपने जो डिफ है, एक लोग आइटम और एक इंडिविजुअली यूज करने के लिए हमने आइटम वन भी करा हुआ है। तो हमने सिंपली आइटम लिखा हुआ इधर क्योंकि सब पे अप्लाई हो रही है। अब सिंपली इस आइटम के अंदर हम लगाएंगे अपने फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। तो सिंपली इधर हम लिखेंगे फ्लैक्स ग्रो और अगर मैं आपको देख रही इधर रिमेनिंग स्पेस है हमारे कंटेनर की जो स्पेस है 500 पिक्सल है, तो यहाँ देखना रिमेनिंग स्पेस है। अगर मैं सिंपली इधर जीरो लगा दूं तो जीरो जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस करके इसको चेक करेंगे तो अभी इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो सिंपली हम देंगे इसके अंदर वैल्यू वन देंगे तो देखिए रिमेनिंग स्पेस जो इन सारे आइटम के अंदर बढ़ जाएगी। वो किस तरीके से देखें, कंट्रोल एस करेंगे हम तो आप देखेंगे जो सारी स्पेस है बढ़ चुकी है, सब ने स्पेस ले ली कंटेनर की, जितनी भी स्पेस जो रिमेनिंग स्पेस थी वो इन सब आइटम के अंदर बढ़ चुकी है। अभी जो स्पेस देख रहे हैं आप जो बीच बीच में स्पेस आ रही है सिंपली मार्जिन दी हुई हमने, ये देख रहे हैं मार्जिन दी हुई है सिंपली। अगर मार्जिन को मैं जीरो कर दूं और कंट्रोल एस करें तो आप देखें ये रिमेनिंग स्पेस सारी इसने कवर कर ली है और ये जो ऊपर स्पेस आ रही है पैडिंग की स्पेस है। तो ऑफ आपको फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को यूज़ करना समझ आया होगा। अगर इंडिविजुअली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं सिंपली इसको 5 ही कर देंगे मार्जिन को, कंट्रोल एस करेंगे ये परफेक्ट है। अगर मैं सिंपली जाऊँ अपने कंटेनर आइटम 2 के अंदर, आइटम 2 के अंदर आएंगे और इधर इसको हम ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा और इधर हम सिंपली लगाएंगे गाइस फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को। इधर हम सिंपली फ्लैक्स ग्रो लेंगे और ऊपर से हम आइटम के अंदर से फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को सिंपली हटा देंगे अभी, और नीचे वाले जो हमारा आइटम 2 है इसकी सिंपली हमने जो है विड्थ को बढ़ाना है। तो आप देखें इधर मैं सिंपली दे दूँ वो 1, कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें ये ऑलरेडी जो पहले स्पेस थी जो कि ऑलरेडी हाई विड्थ थी, जो इसकी पहले जो विड्थ थी उसके अंदर ही आ गए और जो हमने जिसको फ्लैक्स ग्रो के अंदर जो लगाया जो रिमेनिंग स्पेस थी वो इसने ले ली। तो होप सो अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं एक मिनट, फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को भी हटा देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखिए रिमेनिंग स्पेस है। अगर मैं सिंपली 5 के अंदर जाऊँ, सिंपली 5 के अंदर जाएंगे और आइटम 5 के अंदर हम सिंपली लगाएंगे फ्लैक्स ग्रो और इधर हम सिंपली कर देंगे 1, तो ये जो रिमेनिंग स्पेस होगी वो 5 लेगा, कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखिए जो रिमेनिंग स्पेस है 5 ले ली। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को, काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम रिस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो हमने रिस्पॉन्सिव दिखाना था उसमें हमने अपने जो डिफ हैं आइटम है उनको उनकी हाइट को बढ़ाना होता है दिखाने पर रिस्पॉन्सिव मोबाइल टैबलेट, उसमें हम फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी समझ आई होगी किस तरीके से हम फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को गाइस यूज़ करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, अगली प्रॉपर्टी सिंपली क्या होती है फ्लैक्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है गाइस, सिंपली आप देख रहे हैं इसको कंट्रोल एस करेंगे पहले। अब आप देख रहे हैं ये ऑर्डर वाइज है 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका ऑर्डर किस तरीके से चेंज करना है, अगर सिंपली हमें ऑर्डर चेंज करना है जैसे अगर 3 को हमने 1 पे दिखाना है या 2 को हमने 3 पे दिखाना है या 5 को हमने 2 पे दिखाना है, इनका ऑर्डर चेंज करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली ऑर्डर प्रॉपर्टी को, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सिंपली अगर हमने 3 को ऑर्डर चेंज करना है तो मैं सिंपली आइटम 3 के अंदर आएंगे, देखें इधर आएंगे सिंपली आइटम 3 के अंदर और इधर हम लगाएंगे सिंपली ऑर्डर प्रॉपर्टी को। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है सबकी जीरो होती है, देख रहे हैं इसका भी ऑर्डर जीरो, इसका भी ऑर्डर, जितने भी आइटम हैं सबका ऑर्डर जीरो है। और अगर मैं सिंपली इसमें दे दूं -1, क्योंकि जो है ऑर्डर में हम सबसे लोएस्ट वैल्यू देते हैं तो सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस में होती है, क्योंकि जीरो जो है माइनस से बड़ा है, -1 होता है फिर उसके बाद जीरो आता है, तो हमारी जो वैल्यू है -1 सबसे छोटी है। तो अब देखें हमने आइटम 3 को लगाइए -1 तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू बन जाएगी, तो ये सबसे आइटम 1 आ जाएगा, कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखिए जो 3 है हमारा वो सबसे पहले नंबर पे आ चुका है। देखिए ये -1 हमने इसको लगाया है तो इसका ऑर्डर सबसे छोटा है -1 और इसका जो अभी ऑर्डर है वो 0 है 0 0, तो इनका अभी जो ऑर्डर है वो सिंपली गाइस 0 है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारा जो 3 है गाइस वो 1 पे आ चुका है। अगर मैं सिंपली क्या करें हम 4 में जाएंगे और 4 के अंदर हम सिंपली लगाएंगे ऑर्डर, यहाँ भी हम अपना ऑर्डर सेट करेंगे, सिंपली ऑर्डर ले लेंगे
और अगर मैं सिंपली इधर दे दूँ -2 जो कि -1 से भी लोएस्ट वैल्यू है, तो अब जो है फोर आइटम जो है नंबर फोर जो आइटम है वो 1 पे आ जाएगा। किस तरीके से कंट्रोलाइज करेंगे, तो आप देखो अभी 4 आ चुका है, क्योंकि अभी आगे -2 है, इसको हमने -2 दिया हुआ है, इससे भी ये सबसे छोटा है, उसके बाद इससे छोटा है -1 है, उसके बाद जो है 0 0 0, इन सबकी जो बाई डिफॉल्ट 0 है, और सबसे वैल्यू बड़ी होगी वो 1 होगी। जैसे अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं, अगर सिंपली आइटम 1 के अंदर आएँ और इधर हम सिंपली ऑर्डर सेट कर दें ऑर्डर 1, इधर हम सिंपली ऑर्डर 1 कंट्रोल एस करें, तो आ देखेंगे पहले पे आ गया, ये आ गई -2 -1, ये 0 0 और ये 1। तो इस तरीके से काम करती है गाइस हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। होप सो आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ आए होंगी, किस तरीके से हम ऑर्डर सेट करते हैं और फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इसका एक्सेस। तो होप सो गाइस आपको सारी प्रॉपर्टी समझ आए होंगी, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।